दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में चार बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं, तो सभी अपडेट को कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नियुक्तियाँ हो रही हैं वो DIOS के स्तर से हो रही हैं। चयन बोर्ड इसमें वेटिंग लिस्ट जारी करके अपना रास्ता साफ कर चुका है। कारण क्या है कि नियमावली ही कुछ ऐसी है। अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे कि काउंसलिंग से यहाँ पर नियुक्तियाँ दे दी जाएँ, लेकिन ना तो चयन बोर्ड सुन रहा है ना ही शासन सुन रहा है। इस पर अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं। कोर्ट पर अभी हाल ही में आई थिंक 12 सितंबर को सुनवाई हुई। 12 सितंबर का ये आदेश आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और याचिका नंबर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पेटिशनर मनोज कुमार पांडे जी, और यहां पर जब सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रथम दृष्टया मुझे तो यही लगता है कि यहां पर काउंसलिंग से नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जो इस समय वर्तमान में नियुक्तियां हो रही हैं वो DIOS के माध्यम से हो रही हैं, और DIOS की कृपा पर अभ्यर्थी कब तक बैठे रहेंगे और सबका अभ्यर्थियों का हो भी नहीं पाएगा। तो काउंसलिंग से अगर नियुक्ति होगी तो सबका यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी वेटिंग वाले लोगों को, ठीक है। तो ऐसा जैसा आपका सोचना है, लेकिन अभी क्या है कि शासन को और जो चयन बोर्ड है उनको एक हफ्ते का टाइम दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें अब अपडेट ये है कि एक हफ्ते का यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया। एक हफ्ते के बाद जो भी यथास्थिति होगी वो गवर्नमेंट हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, चयन बोर्ड अपना पक्ष रखेगा, और इस मामले की जो सुनवाई है वो अब 26 सितंबर 2022 को होनी है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि इस मामले में काउंसलिंग से नियुक्ति का आदेश आ सकता है, उम्मीद है कि 26 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो है वो सुनवाई होगी, और जैसा कुछ अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट किया जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सीटेट अमान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और ये यूपी की खबर नहीं है, ये खबर है हरियाणा की और बिल्कुल आज की ही खबर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस जारी हुई है। यहाँ पर डेट आप लोग 16 सितंबर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे जो डेट है वो आप लोग देख सकते हैं 19 सितंबर की डेट पड़ी हुई है, और यहाँ पर साइन भी है, तो इस नोटिस को आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर में बताया गया है द ऑर्डर इशूड वाइड नंबर, ठीक है, और यहाँ पर डेट पड़ी हुई है ऑर्डर की 6 सितंबर 2021 को एक ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें सीटेट को एस्टेट के समान माना गया था, ठीक है। तो इस पर आज जो आदेश जारी हुआ जो कि आपके सामने यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है कि फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पजेज फॉर द पोस्ट ऑफ PRT एंड TJT इन द स्टेट इज हियर बाई विदड्रॉन विद इमीडिएट इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले गवर्नमेंट के द्वारा सीटेट को HTET के समकक्ष माना गया था, अब वो आदेश वापस ले लिया गया है। वापस का मतलब है अब सीटेट जो है HTET के बराबर मान नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि अब जो हरियाणा की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी होगी और जो TJT टीचर की वैकेंसी होगी वहाँ पर सीटेट मान्य नहीं होगा। तो क्या मान्य होगा, कैसे हरियाणा में टीचर बन सकते हैं आप, तो इसके लिए आपको जो हरियाणा स्टेट का टेट एग्जामिनेशन होता है, जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, उसी तरीके से हरियाणा में HTET होता है। तो केवल और केवल HTET वाले अभ्यर्थी ही यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि इस समय HTET के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। HTET का डिटेल्ड वीडियो हमने इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि HTET में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा आपको शामिल होने के लिए, और क्या जो है वहाँ पर सिलेक्शन एग्जाम पैटर्न वगैरह होगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक जो है आपका पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट यहाँ पर है कि TJT PJT तदर शिक्षकों की नोटिस जारी। तो यहाँ पर आप लोग ये आदेश देख पा रहे होंगे जो कि 18 सितंबर 2022 का है,
और शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सम्मान तृतीय अनुभाग प्रयाग राज की तरफ से जारी हुआ है समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के लिए। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट में ये जानकारी मांगी गई है कि 2000 के पूर्व के कितने ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं और उनको वेतन का जो भुगतान है कब तक किया गया है, साथ में 2000 के पश्चात के जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको वेतन का भुगतान किस माह तक किया गया है, इसकी जानकारी जो है मांगी गई है। आप लोग जानते होंगे हाईकोर्ट के आदेशानुसार कई जिलों में क्या है वेतन रोक दिया गया, लेकिन कुछ जिले वेतन उसके बाद भी दिया है तदर्थ शिक्षकों को। तो यहाँ पर सभी जिलों से डाटा मांगा गया है कि आपके अंतर्गत आपके मंडल के अंतर्गत किस किस जिले में कब कब तक का वेतन दिया गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर अगली अपडेट है कि पंजाब में जल्द लागू होगी पुरानी पेंशन। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आज की ही अपडेट है और पंजाब सरकार जो है कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में लाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भगवंत मान जी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और यहाँ पर बताया गया कि माय गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग रिवर्टिंग टू द ओल्ड पेंशन सिस्टम OPS। आई हैव आस्क्ड माय चीफ सेक्रेटरी टू स्टडी द फिजिबिलिटी एंड मोडलिटीज ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। वी स्टैंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ आवर एम्प्लॉयज। यहाँ पर देख सकते हैं 19 सितंबर की डेट पड़ी हुई, यानी एक तरीके से जो चीफ सेक्रेटरी वहाँ से फिजिबिलिटी और मोडलिटीज़ के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है और पंजाब सरकार जो है कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का मूड बना चुकी है और पंजाब में भी जल्द पुरानी पेंशन लागू होगी। आप लोग जानते होंगे कई स्टेट में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है और पंजाब भी इसमें से आगे चल करके ये चीज़ें लागू करेगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, सारी आपको ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।